आपका फिजिकल एजुकेशन विद राजेश चंदलू। फ्रेंड्स, मैं आपको फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूँ, क्लास 11th और 12th के बारे में। तो आइए हम क्लास 11th के सिलेबस की बात करते हैं। तो क्लास 11th के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो थ्योरी पार्ट है, उसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 70 मार्क्स का। जो भी CBSE पैटर्न बेस्ड स्कूल्स हैं, जिन बच्चों ने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट ले रखा है, तो उसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट होता है। तो हम थ्योरी की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन और इसका जो ऑब्जेक्टिव है फिजिकल एजुकेशन है उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में और इसका जो एम है उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। ये सब टॉपिक इसमें दिए गए हैं। सेकेंड, इसमें सब टॉपिक है चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स प्लेइंग सरफेस वेरिएबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो इसमें बताया गया है कि जैसे जैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे समय बदल रहा है, तो उसमें हमारे जो गेम्स हैं उसमें जो जो इक्विपमेंट्स हैं जो भी गेम्स के लिए यूज किए जाते हैं तो उसमें चेंजेज हो रहे हैं, उन टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें एडवांसमेंट में क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें चेंज हो चुकी हैं उनके बारे में इसमें थोड़ा डिस्कस किया जाता है। कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, अब बच्चों को जो क्लास 11th में होते हैं उन बच्चों को पता नहीं होता है कि फिजिकल एजुकेशन में कैरियर कैसे बनाया जा सकता है। तो टीचर्स का ये प्राइमरी कर्तव्य बनता है कि बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताएं कि कैरियर भी फिजिकल एजुकेशन में बहुत वाइडर है। आप फिजिकल एजुकेशन में जो भी अपॉर्चुनिटी आती हैं, जैसे मान लीजिए फिजिकल ट्रेनर बनना है, किसी को कोच बनना है, किसी को टीचर बनना है और किसी को योगा से रिलेटेड टीचर बनना है, अलग अलग फील्ड में आप जितने भी 28 गेम्स हैं लिस्ट दे रखी है पूरी इसमें, तो उन गेम्स में आप प्रोफेशनल कोचेज भी बन सकते हैं, अपना एक इंडिविजुअल गेम चूज कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप फिजियोलॉजी किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स के बारे में आप डिस्कस करके उसमें आप अलग से आगे जाके कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें डिफरेंट डिफरेंट वे में आप इसमें कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे अदर कोर्स होते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री नॉन मेडिकल मेडिकल में आप कोर्सेज करते हैं, वैसे ही हमारे फिजिकल एजुकेशन में भी कोर्सेज होते हैं। अगर आप बच्चों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, उनको बताएंगे, तो बच्चों को चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद में खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम है। खेलो इंडिया प्रोग्राम, जैसे कि आपको पता है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम अभी 2018 से स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें पहले हमारे जो खेलो इंडिया प्रोग्राम होते थे वो स्कूल लेवल पे होते थे और अभी जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी होते हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है इसमें फिट इंडिया प्रोग्राम जो चलाया गया है उसमें जो टैलेंट सर्चिंग के बारे में बताया गया है, बच्चों में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है और इसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं, क्या क्या शेड्यूल होता है, किस तरीके से बच्चों को फिट रखना चाहिए और किस तरीके से बच्चों को अपकमिंग टास्क के लिए प्रिपेयर करना है, उन सब चीज़ों के बारे में खेलो इंडिया प्रोग्राम में दिया गया है। सेकंड टॉपिक की हम अगर बात करें तो यूनिट सेकंड है ओलंपिज्म। ओलंपिज्म में एंशियंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में बताया कि ओलंपिक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे उसमें चीज़ें धीरे 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 डेवलप होती चली गई। सेकेंड टॉपिक है ओलंपिज्म कॉन्सेप्ट एंड ओलंपिक वैल्यूज़। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट होने से पहले हमें उसका ओवरव्यू देना है, उसके बारे में डिस्कस करना है, बच्चों को बताना है और बच्चों को मोटिवेट करना है इस चीज़ के बारे में कि ताकि बच्चे को वो चीज़ें प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से समझ में आ जाएं। तो कॉन्सेप्ट उसका बताना है कि ओलंपिक की वैल्यू क्या है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। एक्सीलेंस फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट, तो आपको बताया गया है कि जो भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं उन बच्चों के अंदर कितना डेडिकेशन होता है, कितनी पेशेंस होती है और कितना वो लोग हार्डवर्क करते हैं, इस बारे में बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आप वीडियोग्राफी के द्वारा बता सकते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से बता सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल IT डिपार्टमेंट वाले टीचर से पूछ के आप बहुत सारी चीज़ों में आप वीडियोग्राफी वगैरह से आप बच्चों को 3D पिक्चर्स के द्वारा समझा सकते हैं। फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो टीचर्स की रिस्पेक्ट कितनी करनी चाहिए, कोच की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमें ओलंपिक तक पहुंचने के लिए इन सब चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, एक अच्छे कोच बन सकते हैं, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन तभी कहला सकते हैं। ओलंपिक्स की आगे दे रखा है कि सिंबल्स क्या होता है, मोटो क्या होता है, फ्लैग क्या होता है, ओथ एंड एंथम। तो किसी भी गेम के स्टार्ट होने से पहले उसका जो प्री प्लांट सिस्टम होता है, प्री ड्यूरिंग और पोस्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें तो उसमें ओलंपिक्स का जो सेरेमनी होती है उसके बारे में बताया गया है कि कोई भी जो ओलंपिक्स टूर्नामेंट होता है
तो उसमें किस तरीके से उसके सिंबल दिए होते हैं, जो सर्कल रिंग्स होते हैं उसका क्या महत्व है, कंटिनेंट्स के बारे में कैसे बताता है, कौन कौन से कंटिनेंट्स के बारे में इसमें दिया गया है, क्या ओथ होती है और उसका क्या एंथम होता है, ये सब चीज़ें बच्चों को डिलीवर करनी चाहिए। ओलंपिक मोमेंट स्ट्रक्चर के बारे में बताया, इंडियन ओलंपिक कमेटी है उसके बारे में बताया गया है। तो NOC और IFS और अदर मेंबर्स, ओलंपिक का जो मोमेंटम है, जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ओलंपिक कमेटी, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि बच्चों को किस किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट है योगा से रिलेटेड। योगा से रिलेटेड है कि मीनिंग इसका क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा क्या है, तो इसके बारे में इसमें बताया गया थर्ड यूनिट में कि इसका जो मीनिंग है वो मेडिटेशन के द्वारा भी किया जा सकता है, कंसंट्रेशन से रिलेटेड भी किया जाता है, स्ट्रांग योगा के बारे में, उसकी क्रियाज क्या क्या होती हैं, उन सब के बारे में योगा चैप्टर में पढ़ाया जाता है। और उसके बाद में आता है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बारे में, दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, बच्चों को पहले से ट्रेंड किया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके साथ में जो हमें बिहेवियर करना है वो किस तरीके का रखना चाहिए, हमें पॉजिटिव बिहेवियर रखना चाहिए, उन बच्चों के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए बच्चों को, ताकि वो बच्चे भी अपने आप को डिसेबल ना समझ कर नॉर्मल ही अपना बिहेव कर सकें और नॉर्मल गेम वगैरह कर सकें। और इसके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर है, किस किस तरीके से डिसेबिलिटी हो सकती है और कौन कौन सी डिसेबिलिटी होगी तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें, इसके कारण क्या हैं, इसकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है इसकी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है जो माइंड से रिलेटेड, फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है जो कि फिजिकली होती है, हैंडीकैप वगैरह होते हैं, और इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, इसका एम क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी हमारा गोल ओरिएंटेड सिस्टम है उसमें हम धीरे धीरे चीज़ों को अडॉप्ट करना सीखते हैं और फिर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो भी वेरियस प्रोफेशनल चिल्ड्रन हैं जिनको स्पेशल नीड्स होती है, उसमें काउंसलर भी आता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी आता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की एक भूमिका होती है, स्पीच थेरेपिस्ट होता है और स्पेशल एजुकेटर होता है, इन सब चीज़ों के बारे में उसे बहुत अच्छे तरीके से उसकी काउंसलिंग की जाती है, उसको बार बार चीज़ों को रेपिटेशन लगाया जाता है और बच्चा नॉर्मल बिहेव में आ जाता है। यूनिट फिफ्थ की अगर हम बात करें तो फिजिकल फिटनेस हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर बात की जाती है, इसका मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, वेलनेस का सीधा सा मतलब है फ्री फ्रॉम डिजीज, कि बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की या कोई भी पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन या नॉर्मल पर्सन वेलनेस की कैटेगरी में तभी आएगा जब वो फ्री फ्रॉम डिजीज रहेगा, उसे किसी भी तरीके की फिजिकली मेंटली कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, फिटनेस में आप फिजिकल वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, वो सब काउंटेड होती हैं। कंपोनेंट्स डायमेंशंस ऑफ वेलनेस हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, इसमें आपकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी और स्पीड वगैरह आती हैं। ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स फॉर प्रमोटिंग वेलनेस, तो जो भी ट्रेडिशनल गेम्स हैं, रीजनल सेंटर्स हैं, उनमें इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है। आगे आता है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेलुएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट, टेस्ट हमें मेजरमेंट करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए, मेजरमेंट में आप डाटा कलेक्शन करते हैं, टेस्ट में आप उन सब चीज़ों को मेजर करते हैं, मापते भी हैं, और परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए उसमें क्या चेंज करना है वो इवेल्युएशन में आता है। इवेल्युएशन करके आप निकाल सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी थी, आज एक साल पहले कैसी थी और आज कैसी है, और उसमें क्या चेंज करना चाहिए और क्या उसका शेड्यूल बनाना चाहिए, उसकी डाइटिंग से रिलेटेड हो चाहे वो उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो। क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उन्हीं टेस्ट के आधार पर बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी करवाई जाती है और उनकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने का काम किया जाता है। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइन इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, जो भी टेस्ट होता है उसकी एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है, उसका एक सिस्टम होता है, उसका एक क्राइटेरिया होता है, जिसमें उन सब चीज़ों को सीक्वेंस के हिसाब से करना होता है। यूनिट नंबर 7 है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड इन स्पोर्ट्स, तो इसमें डेफिनेशन, हर एनाटॉमी की डेफिनेशन, फिजियोलॉजी की डेफिनेशन, किनेसियोलॉजी की डेफिनेशन, किनेसोमेट्री की डेफिनेशन और सिस्टम्स के बारे में इसमें बताया जाता है। डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स, तो इसका एक्सरसाइज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है और स्पोर्ट्स में इसकी क्या महत्वता है,
इन सब चीज़ों के बारे में इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया जाता है। फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, जो भी हमारा स्केलेटल सिस्टम है बोन से रिलेटेड है उसको क्लासिफाइड किया जाता है, शॉर्ट बोन के बारे में, लॉन्ग बोन्स के बारे में, और टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में, जो भी हमारे शोल्डर जॉइंट हैं, मेजर जॉइंट हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से इसमें बताया जाता है। फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी हमारा हार्ट से रिलेटेड है, जो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन है आर्टरी और वेंस में, ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है और कहाँ से हार्ट से ले जाया जाता है और किस तरीके से पंप करता है और कैसे हमारे बॉडी के अंदर से सप्लाई होती है, तो ये सब चीज़ें इसमें स्ट्रक्चर और सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया जाता है। आगे हम बात करते हैं फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि नाम से ही पता है कि श्वसन तंत्र के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, इसमें आपकी नसल कैविटी और वह सब चीज़ें जो भी फेरिंग्स वगैरह है उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, ट्रेकिया के बारे में पढ़ाया जाता है, तो ये सब चीज़ें आपकी श्वसन सिस्टम से रिलेटेड हैं। इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से वो काम करता है, कैसे हम अपने स्टेमिना को बिल्डअप कर सकते हैं। नंबर 8 यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ किनेसियोलॉजी एंड बायो मैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। डेफिनेशन इसके बारे में पढ़ाई जाती है, इंपॉर्टेंस बताई जाती है किनेसियोलॉजी एंड बायो मैकेनिक्स। बायो मैकेनिक्स में आपको लॉ पढ़ाए जाते हैं, किनेसियोलॉजी के अंदर आपकी बॉडी की मोमेंट, जिसमें आपके फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, रोटेशन और सरकमडक्शन, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। एक्सिस एंड प्लेन्स के बारे में पढ़ाया जाता है, पोस्टीरियर एंटीरियर, और किस तरीके से प्लेन और एक्सिस एक इमेजिनरी टाइप से बॉडी को दो पार्ट्स में कटिंग करते हैं, उस तरीके में बताया जाता है कि एल्बो के अंदर जॉइंट्स होता है, एल्बो को अगर हम दो बोन्स को अगर हम क्लोज लेके आएंगे तो फ्लेक्शन होगा, अगर दो बोन्स के बीच में एंगल का अगर इंक्रीज होगा तो एक्सटेंशन होगा, बॉडी की अगर हम हैंड को क्लोज लेके आएंगे बॉडी से स्टार्क रखेंगे तो अडक्शन होगा, और बॉडी से अवे फ्रॉम द बॉडी ले जाएंगे तो अबडक्शन होगा, रोटेशन होगा, सरकमडक्शन होगा, और अगर हम पाम को हथेली को सीधा रखेंगे तो प्रोनेशन होगा, और हथेली को इस साइड से रखेंगे तो सुपिनेशन होगा, तो ये सब चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, साइकोलॉजी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये बिहेवियर पे काम करता है, तो डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, एडोलसेंट प्रॉब्लम एंड देयर मैनेजमेंट, किस तरीके से बच्चे के अंदर कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, किस एज कैटेगरी के हिसाब से उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर, और उनके अंदर किस किस तरीके से प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता है, वो सब चीज़ें साइकोलॉजी पर डिपेंड करती हैं। तो स्पोर्ट्स के अंदर हमारे जो भी इमोशंस होते हैं, एंगजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, मैनेजमेंट उनका कैसे किया जाता है, टीम कोहेशन एंड स्पोर्ट्स के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है कि अराउजल किस टाइप का होना चाहिए, अगर हमारे टीम के अंदर स्प्रिट अच्छी है और हम जीत रहे हैं तो हमें और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए और एक पेशेंस के साथ में हमें काम करना चाहिए, चाहे हमारी टीम जीत रही है तब भी हमें पेशेंस रखना चाहिए, अगर टीम लूज कर रही है तो भी हमारा कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। यूनिट 10 के अंदर हम बात करें तो ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा था कि ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स, तो कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के अंदर जो भी पहले हम जो भी टास्क देते हैं वो सिंपल देते हैं और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इसमें ट्रेनिंग कराने का काम हम बच्चों को करते हैं, तो कॉन्सेप्ट बताया जाता है ट्रेनिंग का, लोड ओवरलोड, अडेप्टेशन एंड रिकवरी, जिस तरीके से हम कोई भी चीज़ की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं उसके लिए वार्मिंग अप करते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली लोड को बढ़ाते हैं, फिर अडेप्टेशन करते हैं, रेपिटेशन लगाते हैं उसका, उसी तरीके से हमें रिकवरी भी हमें फेस करना चाहिए, रिकवरी फेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वार्मिंग होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग एंड इट्स डिसएडवांटेजेस, तो बताया गया है कि वाडा और नाडा के बारे में आपने सुना होगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होती है और जो नाडा होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, जो कि नेशनल लेवल पे खिलाड़ियों को एथलीट के लिए काम करती है, तो वो समय समय पर उनकी जाँच करती है ताकि कोई भी खिलाड़ी डोप में ना आए और अच्छी परफॉर्मेंस अपने देश के लिए देता रहे। अगर कोई खिलाड़ी डोपिंग में पाया जाता है तो उसको ऊपर बैन लगा दिया जाता है। तो ये चीज़ें थी हमारी थियोरेटिकल पार्ट में अगर आप देख रहे हैं, तो आगे हम प्रैक्टिकल पार्ट की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल जो पार्ट होता है उसमें मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 30, तो 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है क्लास 11th में,
और मैक्सिमम मार्क्स 30 का इसमें प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के अंदर भी उन्हीं चीज़ों से, थ्योरेटिकल पार्ट से ही इसमें कुछ पार्ट लिया गया है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, साइकिलोमीटर टेस्ट मैंने आपको बताया था, ब्रॉकपोर्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इन्हीं टेस्ट में सब टॉपिक होते हैं और उन्हीं टॉपिक को करके आपको टेस्ट देना होता है, जिसके 6 मार्क्स आपको मिलते हैं। योगिक प्रैक्टिस, जो भी आपका हेल्थ रिलेटेड प्रैक्टिस, जो भी आपके बॉडी सिस्टम से रिलेटेड है, उन्हीं में से कोई भी आसन से आप करके दिखा सकते हैं। और रिकॉर्ड फाइल के अंदर 5 मार्क्स हैं, आपको प्रॉपर गेम के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में और वो सब चीज़ें आपको बनानी होती हैं। रिकॉर्ड फाइल में जो प्रैक्टिकल होता है उसमें लेबर डायग्राम होता है 400 मीटर का, ट्रैक एंड फील्ड विद कंप्यूटेशन, मतलब डायमेंशंस वगैरह प्रॉपर तरीके से दिखाई जानी चाहिए। प्रैक्टिकल नंबर 2, डिस्क्राइब चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स, इन द चेंजिंग इन प्लेइंग सरफेस, वेरिएबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो भी टॉपिक में बताया गया उन टेक्नोलॉजी के बारे में आप उनकी फोटोग्राफ भी लगा सकते हैं और उनको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 3 है जो लेबल डायग्राम फील्ड एंड इक्विपमेंट ऑफ एनी वन गेम, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बास्केटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, एथलेटिक्स करते हैं या कोई स्पेशल इवेंट करते हैं, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये जो आज मैंने आपको पढ़ाया है, ये टॉपिक थे और इन्हीं टॉपिक के बेस पे पेपर बनाया जाता है। जितने भी NCERT या CBSE बेस्ड पेपर होते हैं तो वो सिलेबस को देखते हुए, जो भी न्यू पॉलिसी आई है उसमें यही सिलेबस फिजिकल एजुकेशन का दिया गया है क्लास 11th के लिए। तो ये सिलेबस आप अपने फ्रेंड्स में, अपने कोचिज में, अपने टीचर्स को शेयर कर सकते हैं, और जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं और जो भी स्पोर्ट्स फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को सुन के बच्चों को समझा सकते हैं और टॉपिक के बारे में रूबरू करा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, और इस जो वीडियो को आप देखकर आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।